नमस्कार, वेब समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल। आज हम पहुंचे हैं करमटोली स्थित सैफ्रॉन होटल में, जहां पे अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की बैठक चल रही है। इस बैठक में बहुत से अहम मुद्दों को जो आदिवासी हित के लिए बनाए गए हैं, बनाए जाएंगे, इन सभी के लिए अहम बैठक की गई है, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, आइए जानते हैं उनसे, उन्हीं का परिचय। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभय कुमार हुआ। जी, आपकी पदवी? मेरी पदवी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेम शाही मुंडा, राष्ट्रीय महासचिव। मेरा नाम विश्वनाथ वाकडे, महाराष्ट्र, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा नाम भोला बहन। मेरा नाम चेतन मुंडा, जिला खूंटी, सुखनंदन दुर्वे, छत्तीसगढ़ कबीरधाम से। मैं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का कवर्धा जिला का जिला अध्यक्ष। नारायण गंजे, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, वर्धा जिले से बिलोंग। अच्छा अच्छा जी, हमने इन सभी का परिचय ले लिया, अब किन किन मुद्दों पे बात किया इन्होंने अपनी बैठक में, कौन कौन से मुद्दे आदिवासी जनहित के लिए है, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आदिवासियों को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो अपने ही लोगों के साथ रहे, धर्म परिवर्तन ना करें, जानेंगे। सर, आप लोगों ने आज कौन कौन से मुद्दों पे बातचीत की? देखिए, हमारा जो संगठन का मेन उद्देश्य है धर्म पर काम करना, क्योंकि देश आजाद हुए लगभग 70 वर्ष हो गई है, संविधान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सभी को धर्म कोड मिल चुका है, लेकिन इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के प्रथम निवासी हैं, आज भी संवैधानिक तौर पे जो है आपका धर्म कोड से वंचित है। तो हम लोग का जो इस संगठन के माध्यम से पूरे राष्ट्रीय लेवल में सभी आदिवासियों को एकमत करते हुए हम लोग सरकार से पहले भी मांग कर चुके हैं, और ये हमारा जो कमेटी जो है आज पुनर्गठन हो चुका है राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि हमारा जो पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महासचिव कोरोना काल में उनकी देहांत हो गई है, जो जगह खाली थी उस जगह को आज हम लोगों ने उसको भर दिया है, और उसके माध्यम से हमें पुनः हम लोग जो है जन जागरण पूरे देश में हम लोग चला रहे हैं, और इसी तौर पे हम लोग जो है दिल्ली कूच करेंगे, और इससे पहले भी हम लोग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मिल चुके थे, और उन्होंने जिस तरह से मतलब धर्म कोड के संदर्भ में तर्क वितर्क रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से हुई थी, तो उनका स्पष्ट करना है कि आपको धर्म कोड मिलेगी, लेकिन यह है कि आप पूरे देश में समुदाय आदिवासी या जनजाति के तौर पे आप चिन्हित हैं, और सब कोई अलग अलग धर्म कोड अलग अलग नामों से मांगेगा, तो वैसी स्थिति में सरकार जो है जो विभिन्न नामों से धर्म कोड देने में असमर्थ है, इसलिए जो है आप लोग जो है राष्ट्रीय सहमति बनाए, निश्चित तौर पे आपको धर्म कोड मिलेगी। जैसा कि इन्होंने बताया, धर्म कोड की मांग जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इस धर्म कोड में एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे माने तो एकता की जरूरत है, मगर आदिवासियों में कहीं ना कहीं तरीके से जोरों शोरों से केंद्रीय समिति ने बोला कि धर्म कोड की मांग चल रही है, लेकिन एकता ही आदिवासियों में नजर नहीं आ रही। जानेंगे इनसे कि किसी भी चीज के लिए कभी भी एकाग्रता बहुत जरूरी है। जी, जिस तरीके से आप लोग जोर शोर से आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है आदिवासी एक दूसरे से टूटते हुए, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, आदिवासी समाज कभी टूटा नहीं है, कभी डिगा नहीं है। कुछ लोग जो अलग दल के या अन्य विचारधारा के लोग हैं, वो ही टूटते हैं। और रही बात संघर्ष की, तो हमारी उत्पत्ति आदिवासियों की उत्पत्ति ही हुआ है संघर्ष। आपने कहा कि आदिवासी कभी टूटा नहीं है, कभी टूटा नहीं है, कभी डिगा नहीं है। जितने भी लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग धर्म में चले गए हैं, उन लोगों का क्या क्या कहना चाहेंगे? जो अन्य धर्म में जो परिवर्तित कर लिए हैं, जो आदिवासी प्राकृतिक पूजक, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, हम अपील करना चाहेंगे कि पुनः अपने घर पर आ जाएं, और नहीं आएंगे तो फिर हम धर्म की जागरूकता और बढ़ाएंगे, और हम ऐसा परिस्थिति करना चाहते हैं पूरे देश में कि हिंदू भी देखे कि इनकी धर्म अच्छा है, वो भी परिवर्तन करेंगे, मुसलमान भी अपने धर्म छोड़ेंगे, ईसाई भी छोड़ेंगे जहाँ चले गए, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, हमारा कोई भगवान नहीं, भगवान जिसको दिखाई नहीं देता है, जो जब हम किसी चीज़ को बोते हैं, धान बोते हैं चाहे चना बोते हैं, तो पता नहीं चलता कैसे उपजता, वही भगवान जो दिखाई नहीं देता,
दूसरे लोग तो मूर्ति को पूजा करते हैं, किसी राम को, किसी अल्लाह को, किसी ईसा मसीह को, उस पर हम लोग नहीं, हम लोग नेचर की पूजा करते हैं। इसलिए जितने भी भटके हुए हैं वो, हमको निश्चित विश्वास है आदिवासियों को, वो वापस आए और अब एक पूरे नए समाज, पूरे विश्व में एक अखंड आदिवासी धर्म का हम लोग उत्पत्ति करने के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।